परमाणु तीन कणों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो परमाणु के रचक तत्व तीन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम शॉर्ट ट्रिप के माध्यम से याद रख सकते हैं। पेन सभी यूज करते हैं, पेन पी एन, पी एन होने का प्रोटॉन, ई एन इलेक्ट्रॉन, न्यू एन एन न्यूट्रॉन। तो परमाणु के तीनों रचक तत्व या जिनसे मिलकर परमाणु बना हुआ होता है उसको याद रखने के लिए कोड वर्ड हमारे पास पेन, पी फॉर प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। अब इसके खोजकर्ताओं को हम कैसे याद रखेंगे, तो पी जी, ई जे और एन सी, पी जी ई जे एन सी। पी एन ए प्रोटॉन, जी एन ए ई गोल्ड स्टीम, ई एन ए इलेक्ट्रॉन, जे एन ए जे जे थॉमसन, एन एन ए न्यूट्रॉन और सी एन ए चेन्नई। तो आपको परमाणु कितने कणों से मिलकर बना है, इनके खोजकर्ता कौन है और इनके ऊपर आवेश कोण कौन सा होता है, उसको एक ही कोड वर्ड के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। पेन लिख देंगे सबसे पहले तो पी एन ए प्रोटॉन हो जाएगा, ई एन ए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एन एन ए न्यूट्रॉन हो जाएगा। ई जी यानी ई गोल्ड स्टीम, ई जे यानी इलेक्ट्रॉन की खोज सर, जे जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का एन सी यानी चेन्नई। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। तो परमाणु को याद रखने के लिए इजी ट्रिक है अपने पास, पेन पी फॉर प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, फिर जी जे सी। तो शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले आपने लिखना है पेन, तो पी एन जाएगा प्रोटॉन, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। इसके खोज करता ई जी यानी ई गोल्ड स्टीम, ई जे यानी सर जे जे थॉमसन,